मैक्सिमम रोबेस्पियर का टाइम पीरियड राइन ऑफ टेरर, इसको राइन ऑफ टेरर क्यों कहा गया? बिकॉज उसने एक ही साल में 1793 to 94 इतनी हार्श पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया. हार्श का मतलब होता है अनजस्ट, जो अनजस्ट होती है हार्श पॉलिसीज. कौन कौन सी पॉलिसीज अनजस्ट थी? नंबर वन गिलोटिन, क्योंकि हमने शॉर्ट में करना ना, तो हमने इसको शॉर्ट में आप आंसर्स बताओगे. गिलोटिन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिलोटिन? गिलोटिन इज अ डिवाइस दैट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिलोटिन टू गिव पनिशमेंट. रोबेस्पियर के टाइम पीरियड में ओलंपे डी गॉस को गिलोटिन किया गया था, एंड इवन ही हिमसेल्फ वाज गिलोटिन. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाई व्हाई गिलोटिन वाज गिवन? दोज हु अपोज द रूल ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. सेकेंड आपने ये बताना है कि उसकी पॉलिसीज जो थी, ही इम्पोज मैक्सिमम सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग ऑन प्राइजेस एंड वेजेस. कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट को जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए प्राइस हैं उससे ज्यादा या उससे कम नहीं बेचेगा. एंड कोई भी पर्सन अपनी इंडस्ट्रीज में लेबर को वेजेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं उससे ज्यादा या उससे कम नहीं दे सकते. ठीक है, तो ऐसे में बहुत से लोग थे जो हाई प्राइजेस की उम्मीद कर रहे थे कि अपनी चीजों को हाई प्राइस में बेचेंगे, या बहुत से लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी फैक्ट्री में लो वेजेस देंगे, तो वो जो थे वो मैक्सिमम रोबेस्पियर के एंटी हो गए. ठीक है, थर्ड, और उसने क्या किया? इक्वालिटी लाने के लिए, लोगों की स्टेपल डाइट होती है ब्रेड, ब्रेड को ही बैन कर दिया, और ये कहा गया कि व्हाइट ब्रेड को छोड़कर होल ग्रेन व्हीट ब्रेड जो है वो मार्केट में बेची जाएगी, और दूसरी जो ब्रेड है उसको बैन कर दिया. क्योंकि उस टाइम पीरियड में ना व्हाइट ब्रेड जो थी वो नोबल्स के लिए होती थी, और होल व्हीट की जो ब्रेड होती थी दैट वाज फॉर कॉमन और एक लो ग्रेड मानी जाती थी. जैसे आप कई बार राइस की बात करें ना, बासमती राइस, बासमती राइस की क्वालिटी क्या होती है? अच्छी होती है. और जो मोटे चावल होते हैं उनका रेट भी कम होता है, और उनकी जो है जो हाँ उनका टेस्ट जो है वो भी डिफरेंट होता है. तो अगर मैक्सिमम रोबेस्पियर होता तो वो क्या करता? बासमती राइस को क्या करता? बैन कर देता, और ये कहता कि सबको सेम वैसे ही जो है वो चावल खाने पड़ेंगे. तो ऑटोमेटिकली जिन लोगों को वो चीज़ नहीं टेस्टी लगती तो कैसे सोसाइटी में है ना वो तो अपोज करेंगे. तो ये एक रीजन था, है ना. यानी कि लोगों को कंपेल किया गया होल ग्रेन वीट जो है वीट की ब्रेड खाने के लिए. देन इक्वालिटी लाने के लिए उसने कुछ वर्ड्स, सर और मैडम जो वर्ड हैं उनको खत्म कर दिया, कि लोग जो है नोबल्स है या कोई भी है उसका नेम के आगे सर या मैडम नहीं लगाएंगे, उनके नेम से उनको जो है बोलेंगे. तो ये अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम रोबेस्पियर ने कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो किया. चर्चेस वर शट डाउन. लोगों का वर्शिप प्लेस होता है बच्चे, लोग जो है वो वर्शिप प्लेस अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैक्सिमम रोबेस्पियर ने क्या किया? बड़े बड़े चर्च बंद कर दिए, उनकी बिल्डिंग्स को आर्मी बैरक्स बना दिए, और ऐसा करके उसने लोगों की रिलीजियस फ्रीडम जो है वो ले ली. और पीपल दे वर एनॉयड विद मैक्सिमम रोबेस्पियर, क्योंकि अब उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम थी वो मैक्सिमम रोबेस्पियर ने ले ली. और जो चर्चेस थे ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, उनमें आर्मी कंटोनमेंट्स या उसमें आर्म्स एंड एमिनेशन स्टोर कर दिया गया. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम रोबेस्पियर ने काफी हद तक नेगेटिव पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, जिसका रीजन 1794 में उसको ही गिलोटिन कर दिया गया. सो दीज वर द रीजंस. हाँ जी प्रतीक्षा, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट मैम? जो मैम ये वाला क्वेश्चन मैंने ये क्लियर हो गया. लेजिस्लेटिव जुडिशरी में डाउट है, वो फिर से जो आपने कल बताया था बच्चे, वो आपने ये बताना है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट के थ्री पार्ट्स होते हैं. लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का मतलब होता है पनिश करना. तो ये कौन सी बुक में आइडिया था? स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था. और फ्रांस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया जब 1791 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसमें लेजिस्लेचर कौन था? लेजिस्लेचर कौन था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको इलेक्टर्स ने चुना था. एग्जीक्यूटिव कौन थे? एग्जीक्यूटिव थे किंग एंड उसके नोबल्स. और जुडिशरी कौन थे? जजेस जिनको इलेक्टर्स भी वोट कर सकते. इसका मतलब होता है कि अब पावर्स एक पर्सन के हाथ में नहीं थी, पावर्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज. इट इज क्लियर प्रतीक्षा? सी एनी डाउट?
Raise your hand if still any doubt is there, or should I continue further? ओके बच्चे, अब हम करते हैं इसके बाद, यानी कि रॉबेस्पियर के बाद मैंने आपको बताया गिलोटिन रूल जो था, गिलोटिन के बाद उसको कर दिया, उसके बाद 94 के बाद फ्रांस को किसने कंट्रोल किया? डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टर्स, यानी कि अब इस रूल में फाइव डायरेक्टर्स थे, फाइव कंट्री के जो है वो रूलर होंगे, मतलब फाइव हेड होंगे, और इनकी दो पार्लियामेंट, दो पार्लियामेंट का मतलब दो काउंसिल्स बना दी, जैसे हमारी कंट्री में क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसी तरह से डायरेक्टरी रूल में क्या कर दिया गया, फाइव डायरेक्टर्स, और ये फाइव डायरेक्टर्स जो हैं अल्टीमेटली किसको कंट्रोल करते हैं, टू काउंसिल्स, दो काउंसिल्स कर दी गई इनके अंदर, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ही फ्रांस में दो काउंसिल्स बनाई गई और पांच जो है वो रूलर, पांच रूलर हो गए ऑफिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, 94 से लेकर 1804 तक ये रूल भी कंटिन्यू नहीं हो पाया, बिकॉज फाइव डायरेक्टर्स दे ऑलवेज कीप ऑन क्लैशिंग, इनके बीच में अपनी लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो ये फ्रांस में लोगों की हेल्प क्या करते, ठीक है। इसके बाद 1946, आपने इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना, फाइनली जो फ्रांस की विमेन है 1946 में जाकर उनको राइट टू वोट मिला, फ्रांस द विमेन ऑफ फ्रांस दे गॉट राइट टू वोट इन 1946, ठीक है। देन नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन से ईयर में फोर्ट बनाया, 1804, बैटल ऑफ वाटरलू 1815, क्या थी बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट वॉज डिफीटेड बाय फोर मेन कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, बैटल ऑफ वाटरलू, इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन बोनापार्ट गॉट डिफीटेड बाय ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद बच्चे एक और आपका हेडिंग है, स्लेवरी सिस्टम। फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम, नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पीरियड में स्लेवरी सिस्टम होता था, एंड स्लेवरी सिस्टम क्या होता था बच्चे, स्लेवरी सिस्टम में थ्री कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व थे, इन द स्लेवरी सिस्टम थ्री कॉन्टिनेंट्स वर इन्वॉल्व, कौन कौन से, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका। हाउ बच्चे, यूरोप से ना फ्रांस के दो पोर्ट्स बॉर्दे एंड नांते, दीज पोर्ट्स वर वेरी फेमस, बॉर्दे एंड नांते, आपको इनके नेम याद रखने हैं, विच वर द फेमस पोर्ट्स ऑफ फ्रांस, बॉर्दे एंड नांते, क्या है ये नेम है, पोर्ट सिटीज हैं ये फ्रांस की। यहां से फ्रेंच सेलर्स कहां जाते थे, अफ्रीका, सॉरी पहले आप बताओगे, अफ्रीका में ये शिप्स के द्वारा बॉर्दे एंड नांते जाते थे, वहां पर ये क्या करते थे, अफ्रीका में स्लेव्स, नीग्रोज होते थे, उनको खरीदते थे और उनको कहां लेकर जाते थे, अमेरिका। क्यों अमेरिका लेकर जाते थे, वहां पर इनसे प्लांटेशन में काम करवाया जाता था, लेबर्स बनाया जाता था इन, और उसके बाद अमेरिका में जो भी चीजों की प्रोडक्शन होती थी, फाइनली इनको यूरोप और फ्रांस में बेचने के लिए भेजा जाता था। तो इस सिस्टम को क्या बोलते थे, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड, ट्राइंगुलर मतलब यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। और आपको पता है ये स्लेवरी सिस्टम जो था वो लुई 16 से पहले भी चल रहा था, लुई 16 के टाइम में भी चल रहा था, एंड जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल आया तो उसने क्या किया, 1794 में इसको एबॉलिश कर दिया, याद रखो 1794 में इसको खत्म कर दिया। लेकिन किसने इसको रीइंट्रोड्यूस किया,
नेपोलियन बोनापार्ट, वेरी गुड। 1794 में मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने इसको खत्म कर दिया, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, उसके बाद भी स्लेवरी सिस्टम फ्रांस में कंटिन्यू रहा। और फाइनली कब जाकर ये कंट्री में जो स्लेवरी सिस्टम खत्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट ईयर जरूर याद रखना, 1848 फाइनली स्लेवरी सिस्टम वॉज फिनिश्ड इन फ्रांस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हेन स्लेवरी सिस्टम वॉज एबॉलिश, ठीक है, तो ये बताना है आपने 1794 किसके द्वारा किया गया था, मैक्सिमम रॉबेस्पियर कन्वेंशन, तो किसकी पार्लियामेंट का नाम क्या था, कन्वेंशन। उसके बाद उसके उसके गिलोटिन होने के बाद डायरेक्टिव रूल आया, और तब भी ये सिस्टम जो है वो खत्म ही हो गया था, लेकिन इसको री इंट्रोड्यूस किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। फाइनली ये कब जाकर खत्म हुआ, 1848। क्लियर? तो जब भी डेट्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अच्छी तरह से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अच्छी तरह से डेट्स के क्वेश्चंस लिखा करो, ठीक है। इसके बाद है एक और पार्ट है बच्चे आपका, एक पेज, रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें जब ईयर का क्वेश्चन आए तो ईयर के क्वेश्चन को मार्क किया करो। इन विच ईयर सेंसरशिप वॉज एबॉलिश इन फ्रांस, 1789 जब रेवोल्यूशन हुआ था, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया। सेंसरशिप क्या होती है, सेंसरशिप का मतलब होता है लोगों की फ्रीडम बुक्स लिखने की या जो भी होती है उनसे ले ली जाती, लेकिन 1789 में सेंसरशिप को खत्म कर दी। नाउ पीपल वर फ्री टू राइट पोएम्स, प्लेस, स्टोरीज, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, शॉर्ट में लिखो 1789 एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप का मीनिंग क्या होता है। 1789 एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज गिवन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज गिवन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस का मतलब होता है न्यूज पेपर, फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज गिवन, पीपल दे रोट प्लेज, प्ले लिखते, प्ले लिखने लगे, सॉन्ग्स, बुक्स, and celebrated their festivals, they were free to celebrate their festivals। ये मतलब है कि revolution के बाद क्या क्या changes आए 1789 के बाद। और सबसे last में बेटा, सबसे last में एक छोटा सा block दिया हुआ है जिसमें राजा राम मोहन रॉय जो इंडिया के reformer थे, कौन थे बच्चे, who was राजा राम मोहन रॉय, social reformer, जो हमारी कंट्री के सोशल रिफॉर्मर जो हैं वो माने जाते हैं। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत आइडिया लिया और फ्रांस में जो भी हो रहा था उन आइडियाज को ये अपनी कंट्री में भी लाना चाहते थे, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो राजा राम मोहन रॉय भी उस टाइम पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो है वो आइडियाज जो थे उनको अपनी कंट्री में लाना चाहते थे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब बच्चे मैं फिर से एक बार, जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स है ना आपकी, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है डेट्स लर्न करने में, तो हमेशा याद रखो जब आप एक चैप्टर एक पेज पे डेट्स लिखोगे ना, आपको उस चैप्टर की डेट्स कभी नहीं भूलेंगे। एक पेज पे आप डेट्स लिखो, 14 जुलाई 1789, जैसे मैं डेट बोलती हूँ इवेंट आपको याद होनी चाहिए। हाँ जी, 14 जुलाई 1789 क्या हुआ था, बेस्टाइल वॉज अटैक एंड डिमोलिश। 14 जुलाई 1789 बेस्टाइल वॉज अटैक एंड डिमोलिश, ठीक है। नेक्स्ट इज 1774, यस 1774 लुईस 16th असेंडेड द थ्रोन, 1774 लुईस 16th ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट 5th मई 1789 क्या हुआ था, कौन सी मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल्स,
मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल वाज कॉल्ड बाय लुई 16 5 मई 1789। लेकिन इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला तो लोग जो थे इस मीटिंग से बाहर आ गए और एक टेनिस कोर्ट जो है वहां पर इकट्ठे हुए ऑथली। किस डेट को ऑथली? 20 जून 1789। टेनिस कोर्ट ऑथ भी कहते हैं इसको, टेनिस कोर्ट ऑथ, ठीक है। उसके बाद फिर जून के मंथ के बाद आगे नेक्स्ट सिटीज में भी, विलेज एरियाज में भी प्रॉब्लम्स आई। फिर आया मंथ 14 जुलाई। 14 जुलाई को क्या हुआ था? बेस्टाइल, ठीक है। और किंग ने जो है वो लोगों का गुस्सा देखते हुए एक ऑर्डर पास किया था, कौन सी डेट को? 4 अगस्त 1789। ऑर्डर पास किया गया, क्या ऑर्डर पास किया गया? फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश ऑन 4 अगस्त 1789। टैक्सेशन सिस्टम को खत्म कर दिया, एस्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया एंड प्रिविलेजेस खत्म कर दिए। लोगों के जो चर्च की प्रॉपर्टी उनसे ले ली गई, जो लोगों के पास अनलिमिटेड प्रॉपर्टी थी। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि काफी लोगों को रिलैक्स मिला एंड नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गई। कब बना कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन? 1791 नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? यस, टू, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वर गिवन राइट टू वोट, बट पैसिव सिटीजन्स जिसमें विमेन आती थी दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट, एंड मेन जिनकी एज 25 से कम थी। फिर अप्रैल 1792 क्या हुआ था? नेशनल असेंबली वोटेड टू अटैक ऑन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, क्योंकि लुई 16 इन कंट्रीज के साथ मिलकर अपनी कंट्री में अटैक का प्लान बना रहा था। तो नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोटिंग की और किन के ऊपर? प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। और इस तरह से कंट्री में क्या स्टार्ट हो गई? वॉर। इसमें मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक नेशनल एंथम जो है वो कंपोज किया गया, क्या नाम था उसका? मार्सिले। क्यों इसका नाम मार्सिले पड़ा? बिकॉज यस द प्लेस ऑन विच इट वॉज संग फर्स्ट टाइम वॉज कॉल्ड मार्सिले। जहां पे इसको गाया गया था उसका नाम मार्सिले था, उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? मार्सिले, ठीक है। इसके बाद फिर आया जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब की इंपॉर्टेंस 1792 यानी कि इसी पर्टिकुलर टाइम पर में जैकोबिन क्लब की जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। और जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने क्या किया? पैलेस ऑफ फिलेरिस पे अटैक कर दिया, किंग और क्वीन को क्या बना लिया? हॉस्टेज। और 21 सितंबर 1792, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखो, 21 सितंबर 1792, यस, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। रोबेस्पियर का रूल आ गया, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, ठीक है। सेम ईयर, वो जस्ट एक्टिविटीज हैं, कोई पर्टिकुलर एक डेट नहीं, पर इसकी डेट है 21 सितंबर 1792 को फ्रांस डिक्लेयर रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को खत्म कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, कौन सी डेट और कौन से ईयर में, याद रखो वन ईयर यानी कि एक साल के बाद, लुई 16 वॉज एग्जीक्यूटेड। उसको एग्जीक्यूट किया गया 21 जनवरी, एक साल बढ़ा दो, 1793। मैंने आपको बताया ना पूरा एक साल लगा उसको, कोर्ट केस चला उसके अगेंस्ट। 21 जनवरी 1793 किंग लुई 16 वॉज एग्जीक्यूटेड। प्लेस का नाम क्या है? डी लॉ कॉन्कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद
इसके इसी पर्टिकुलर ईयर को कंटिन्यू करो, किसको कहते हैं राइन ऑफ टेरर? यस, रूल ऑफ रोबेस्पियर इज रिगार्डेड एज राइन ऑफ टेरर. रूल ऑफ रोबेस्पियर इज रिगार्डेड एज राइन ऑफ टेरर. ठीक है, 1794 के बाद डायरेक्टरी रूल आया. और नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ही क्राउंड हिमसेल्फ एज मिलिट्री डिक्टेटर. और उसके बाद बैटल कब हुई? वाटरलू. कौन से ईयर में? 1815. कौन सी बैटल है ये? बैटल ऑफ वाटरलू. क्या हुआ था इसका रिजल्ट? नेपोलियन बोनापार्ट गॉट डिफीटेड बाय फोर मेन कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. एंड दो इंपॉर्टेंट मैंने डेट्स और जैसे आपको बताई हैं. 1946 में क्या हुआ था? फ्रांस की वुमेन को क्या मिला? राइट टू वोट. 1848 स्लेवरी सिस्टम वॉज एबॉलिश फॉर. यस, फाइनली स्लेवरी सिस्टम एबॉलिश हुआ 1848. ठीक है,